कि आपके फार्म में भी मुर्गियां पतली वेट कर रही है, एकदम से वजन कम हो जा रहा है, यहाँ तक कि अंडे देने वाली मुर्गियां अंडा देना बंद कर दी है। पतली वेट में देखा जाए तो कभी व्हाइट कलर में कर रही है तो कभी ग्रीन कलर में कर रही है, यहाँ तक कि कभी कभी ब्लड भी देखा जा रहा है। तो इस तरह की समस्याएं अगर आपके फार्म में देखी जा रही है तो घबराना नहीं है, इस वीडियो को एकदम शुरू से लास्ट तक देख लीजिए, आपकी जो भी समस्या है वो खत्म हो जाएगी। ये जो बीमारी है ये आमतौर पर सभी के फार्म में होती है और ये बीमारी कोई बड़ी बीमारी नहीं है और ये ना सिर्फ मुर्गियों में नहीं बल्कि इंसानों में भी देखी जाती है। तो ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो उससे पहले आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फार्मिंग से जुड़ी वीडियो मैं इस चैनल पर लेके आती रहती हूँ। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत 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 अच्छे हैं और जहां भी हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो जैसा कि आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अभी का जैसे कि समय चल रहा है, जो मौसम चल रहा है वो बरसात का समय चल रहा है और ऐसे मौसम में ये जो बीमारी है ये बहुत ही आम बीमारी है, ये लगभग सभी फार्म में ये देखी जा रही है, ठीक है। और ये बीमारी बहुत बड़ी समस्या नहीं है क्योंकि ये इंसानों में भी कई बार देखा जाता है, तो घबराना नहीं है। बस इसके कुछ उपाय हैं जिनको कर लीजिए तो ये जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और एकदम से मतलब क्या होता है ना कि अगर ये बीमारी आपके फार्म में थोड़ा ज़्यादा ही फैल गई है तो फिर क्या होगा, मुर्गियों का वेट एकदम से कम हो जाएगा, मुर्गियाँ खाना नहीं खाती है और तो और जो अंडे पर हैं, जो मुर्गी अंडा दे रही है वो अंडा देना बंद कर देती है। तो हमें कहीं ना कहीं एक टेंशन होने लगती है कि इतने दिनों से हम खिला पिला कर इसका वेट बढ़ाएं, एकदम से वजन कम हो गया, क्योंकि देखिए हम लोग जो है वेट बढ़ाने के लिए ही खिलाते हैं और एकदम से अगर कम हो जाए तो कहीं ना कहीं बिजनेस में ये घाटे की तरफ इशारा करता है। तो आपको सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है और सिम्टम भी देखना है कि किस तरह का क्या लक्षण दिख रहे हैं। तो अगर आपके मुर्गी जो है बहुत ही ज़्यादा पतली वेट कर रही है, फिर चाहे वो वाइट कलर में हो या ग्रीन कलर में हो या फिर कभी कभी ब्लड भी आ जाता है, ठीक है। तो अगर इस तरह की देखी जाती है तो आप जाकर जरूर उसका वेट चेक कीजिएगा, क्योंकि उस वेट में ना कई बार बहुत ही कीड़े आते हैं। ये जो कीड़े हैं इन्हीं की वजह से जो है मुर्गियाँ एकदम से खाना छोड़ देती है और वेट इसका एकदम कम हो जाता है और अंडे जो दे रही है वो अंडा भी नहीं देती है। तो इसका जो है मैं मेडिसिन भी बताऊंगी, घरेलू उपचार भी बताऊंगी। तो मेडिसिन के लिए जो आप इस्तेमाल करें इसमें तो वो है एल्वेंडाजॉल। एल्वेंडाजॉल जो है ये आपको कहीं भी किसी भी मेडिकल में आपको मिल जाएगा, फिर चाहे वो मुर्गियों का मेडिकल हो इंसानों का हो, ये हर जगह अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो आपको ले लेना है। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो अगर आपके फार्म में बच्चे छोटे हैं और ये प्रॉब्लम हो गई है तो आपको जो है 10 ml 1 लीटर पानी में मिक्स करना है और उस हिसाब से आपको जितना पानी देना है उस हिसाब से आप एल्वेंडाजॉल को मिला दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको दे देना है। अगर आपके फार्म में मुर्गियां बड़ी है, मतलब कि 500 ग्राम प्लस है या फिर उससे भी ज़्यादा है, तो आप पर 1 लीटर पानी में 20 ml जो है इसका इस्तेमाल कर दीजिए। और ये आपको कब देना है ये और एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि ये टैबलेट फॉर्म में भी आता है। तो अगर आप टैबलेट लेकर के आए हैं तो पर 1 लीटर पानी में आपको 1 टैबलेट का इस्तेमाल करना है, उसको अच्छे से घोल के मिला के इसको दे देना है। इसको देने का जो सही समय होता है वो सुबह खाली पेट होता है। जब भी आप सुबह में उसको कोई भी खाना पानी देते हैं तो उसको आप स्किप कीजिए, सबसे पहले आपको ये मेडिसिन इस्तेमाल करना है, उसके बाद ही उसके 1 से 2 घंटे के बाद उसको कुछ भी खाने के लिए दे, 2 घंटे तक आप उसको दाना बिल्कुल भी नहीं दीजिएगा। और ये जो मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे उससे पहले दिन अगर आपने आज एल्वेंडाजॉल का इस्तेमाल किया है सुबह सुबह, तो कल ही मतलब उसके पहले ही दिन ही आपको लिवर टॉनिक चला देना है। लिवर टॉनिक में या तो आप ब्रूटोन चला सकते हैं या फिर लिप 52 चला सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक चला दीजिएगा। उसके नेक्स्ट डे सुबह आप खाली पेट उसको एल्वेंडाजॉल दे सकते हैं। उसके बाद आपको 1 सप्ताह तक ध्यान रखना है कि कोई भी मेडिसिन नहीं चलाना है। और अगर उसका वैक्सीन का समय है, मान लीजिए कई बार क्या होता है कि
सात दिन 14 दिन के समय ही ये प्रॉब्लम देखी जाती है। तो अगर ऐसा समय भी है तब भी आपको वैक्सीनेशन भी नहीं करना है, आपको एक सप्ताह रुक जाना है, क्योंकि आपने जो मेडिसिन चलाया है उसका असर मुर्गियों में पूरी तरीके से हो जाए, सारे कीड़े मर जाए, उसके बाद ही आपको वैक्सीनेशन करना है। तो मतलब सब कुछ क्लियर हो गया। एक मैं होम रेमेडी जो है वो बता देती हूँ, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपके फार्म में होगी ही नहीं, वो है नीम के पत्ते। मैं कई बार वीडियो में बताती हूँ कि आप अपने फार्म में नीम के पत्ते सप्ताह में 2 से 3 दिन तक जरूर इस्तेमाल करें। उससे क्या होता है, जितने भी मतलब कीड़े मकोड़े इस तरह का जो भी इन्फेक्शन वाली चीज़ें होती है वो नहीं होती है। तो आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नीम के पत्ते का भी कर सकते हैं। तो आप इसको रेगुलर कीजिए, इस तरह की कोई दिक्कत होगी नहीं, हो भी गई है तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। नीम का पत्ता जरूर 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 से इस्तेमाल कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, वीडियो आपके काम की है। और अगर आपको लगता है कि वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है तो आप दूसरों को मतलब फैमिली फ्रेंड्स में, अपने आसपास के लोगों में, फार्म में इसको धड़ाधड़ से शेयर कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।